महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक मामला सामने आया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते प्रतीक पवार नामक शख्स पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। हालांकि अभी वो अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करजत पुलिस कर रही है। तो करजत पुलिस का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DYSP आनंद साहब जादव साहब। सर, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब तक की जांच में क्या सामने आपको मिला है, क्योंकि फिरियादी ने जो आपको कंप्लेन दी है, जो FIR आपने दर्ज किया है, उसमें नूपुर शर्मा का नाम लिखा हुआ है। 4 अगस्त 2022 को शाम को 6:30 बजे यह घटना हुई थी। तो इसके बाद फिरियादी प्रतीक माने जो है, उनके फिरियाद के ऊपर से हमने 307 भारतीय दंड विधान संहिता और एट्रोसिटी एक्ट के तहत सेक्शंस लगाए हैं, और इसमें जो स्टेटस वगैरह का जो उन्होंने जिक्र किया है FIR में, तो इस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोग अभी हम अरेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमने टीम्स भेजी है, और ये जो FIR में जो कंटेंट है उस हिसाब से हम टीम्स तैयार करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कहा गया कि पोस्ट किया था, क्या उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे प्रतीक पवार के कोई भी ऐसा पोस्ट अब तक आपकी जांच में सामने आया है? तो अभी हम उसी पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। कुछ और आरोपियों के फरार होने की जानकारी, क्योंकि FIR में कई और नाम लिखे हुए हैं, कुछ की पहचान नहीं हुई है, तो क्या उनकी उनको ट्रेस किया जा सका है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक 5 एक्यूज गिरफ्तार हुए हैं और एक जुवेनाइल एक्यूज है, और बाकी के जो आरोपी हैं उनके सर्च में टीम्स भेजी हुई है और उनका भी हमें ट्रेस लगा हुआ है, उन्हें भी हम जल्द अरेस्ट कर लेंगे। जो विक्टिम का दावा है कि नूपुर शर्मा के पोस्ट के चलते ही ये पूरा मामला, ये पूरा हमला उसके ऊपर हुआ, तो ऐसे में आपकी जांच में अब तक कोई ऐसी चीजें मिली हैं? उसी पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम वो इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तमाम चीजें आपको बता दी जाएंगे, ऐसा DYSP साहब का कहना है। लेकिन ये पूरा मामला, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या है पूरा मामला, क्या वाकई में नूपुर शर्मा के पोस्ट के चलते ये हमला हुआ है फिर, या आपसी विवाद, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि आपसी विवाद के चलते ये हमला हुआ है, लेकिन पूरी जांच अब पुलिस को करनी है। करजत पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर इस मामले के पीछे का पूरा सच क्या है। कैमरा नातीश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, करजत।